अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सपर्ट। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, हम कर रहे हैं पार्ट टू के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर टू। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर टू का इंट्रोडक्शन किया था, डेरिवेटिव, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ नोटेशन डिस्कस की थी और उसके बाद हमने डेरिवेटिव के कुछ रूल डिस्कस किए थे। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हमने 2.1 और 2.2 क्यों नहीं करने, उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी थी। तो स्टार्ट करते हैं 2.3 से। तो वो कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने जो भी हमें फंक्शन दिया होगा, कोई भी क्वेश्चन, उसको हमने एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देना है। तो फर्स्ट वाइज का क्वेश्चन है एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वाई इस सबसे पहले इसे हम लेट कर दिया करेंगे, ये वाई के बराबर है, ठीक है। क्योंकि वाई क्या होता है, वाई होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये सारे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इसे एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे इसका, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। तो दोनों साइड पे ये ले लिया। अब क्या करना है कि आपको मैंने बताया था जब ये क्या हो रहा है फंक्शन, आप उसमें प्लस हो रहे हैं, तो प्लस वाला पहले तरीका लगाएंगे, ठीक है। प्लस वाले तरीके में क्या था, सबको हम अलग अलग करके लिख देंगे, ठीक है। सबके साथ अलग अलग डेरिवेटिव लिख दिया करेंगे, इसके साथ भी अलग, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना था, उसके बाद हमारा रूल, अब यहाँ पर सबकी इसकी पावर है, इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है। अब पावर रूल क्या कहता है, पावर शुरू में और पावर में से एक कम, और पावर के बगैर डेरिवेटिव। पावर के बगैर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, आपको मैंने बताया था किसी भी वेरिएबल का अपने रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो ये वाला तरीका अपने यूज़ करना है, और यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में आ गई और पावर में से कम कर दिया हमने, और एक्स का अपने रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होता है, पावर के बगैर डेरिवेटिव लेना होता है, ये वाली चीज़ बनेगी, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है, आपको मैंने बताया था अगर स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलर साइड पर हो जाता है, और फिर पावर शुरू में आ गई, पावर में से कम कर दिया हमने, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और फिर पावर के वगैरह हमने डेरिवेटिव दिया, वन आ गया। उसके बाद अगले में भी ये किया है, पावर शुरू में आ गई, पावर में से कम कर दिया, और पावर के वगैरह डेरिवेटिव वन आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास फोर आ गया, एक्स पावर थ्री आ गई, ये टू तो थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स आ गया, और एक्स स्क्वायर आ गया, टू वैसे आ गया और टू में से एक गई, बाकी एक एक्स आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। उसके बाद इसका उम्मीद करता हूँ कोई समझ आ गई। उसके बाद इसका पार्ट नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर टू के अंदर फिर हमें उसने प्लस वाला दिया हुआ है और पावर डूल वाला दिया है, तो फिर वही करेंगे, इसका लेट करने का वाई इक्वल है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ को ऐसे लिख लिया, तो वह डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो क्या करेंगे हम इसको वाई पे इस साइड पे भी डेरिवेटिव ले लेंगे, इस साइड पे भी। अब ये सारे फंक्शन क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो सबसे पहले इन्हें अलग अलग करके लिखेंगे, उसके बाद पावर डूल लगाएंगे, क्योंकि इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, ठीक है। तो करते हैं अगले स्टेप में ज़रा, तो देखें ज़रा, हमने अलग अलग करके सभी के ऊपर निकाल लिया डेरिवेटिव, ठीक है। तो उसके बाद देखें इसकी पावर रूल लगेगा, क्योंकि पावर में आ रहा है, पावर शुरू में और पावर में से कम, और पावर के बगैर डेरिवेटिव वन होता है, क्योंकि एक्स का अपने रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा, वन होगा। उसके बाद क्या करेंगे, पावर शुरू, ये टू कांस्टेंट शुरू में आ जाएगा, उसके बाद पावर शुरू में, पावर में से एक कम, ठीक है, और पावर के बगैर डेरिवेटिव, और ये कांस्टेंट है थ्री, और थ्री का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। ये मैंने आपको जब वो किया था, मैंने आपको डिटेल से बता दिया था। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये देखो, ये थ्री वैसे ही आ जाएगा, ये माइनस फोर हो जाएगा, ये से सोल्व करेंगे तो ये वाला इस तरह आंसर आ जाएगा, और ये चीज़ आ जाएगी, इसको यहाँ से माइनस थ्री दोनों में आया, माइनस थ्री कॉमन ले लिया, बाकी ये बचेगा, ये वाली चीज़ बची, ये वाली, ये माइनस किया, आपको पता डिवाइड बटे में आ जाए, तो ये पावर प्लस में हो जाती है, सोल्व कर देंगे। उसके बाद हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर थ्री है, क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर देखें, वो कह रहा है कि वन ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको सोल्व करना है हमने, तो इसे लेट कर लेंगे, वाई के इक्वल है, उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेंगे, ठीक है। तो ये अब क्या है, हमारे पास ये दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, दो फंक्शन आपस में जब डिवाइड होते हैं, मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन रूल लगता है। क्वेश्चन रूल क्या होता है, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, क्योंकि डिवाइड में हो रहा है इसलिए माइनस, और फिर वो क्या आएगा, ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही आ गया, और इसका डेरिवेटिव लेंगे, ए यहाँ पे क्या है, ए कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, और उसका जीरो आ गया, और एक्स का क्या आ जाएगा, अपने रिस्पेक्ट वन आ गया, माइनस वैसे आ गया, और ये फंक्शन वैसे आ गया, इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ए का डेरिवेटिव जीरो, माइनस वैसे आ गया, एक्स का डेरिवेटिव वन आ गया, नीचे वाले का स्क्वायर वैसे आ गया, ठीक है। अब इसको ओपन करके लिख देंगे, इसको वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इसको माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वाला आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, ये देखें ये वाली चीज़, ये भी प्लस हो जाएगी, ये प्लस, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया ना आपस में, बाकी ये ए प्लस एक्स आ जाएगा वैसे ही, अब यहाँ से माइनस का और प्लस का एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, टू ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। तो अगले टाइम में आपको दिखा देते हैं इसका आंसर क्या है, तो देखें इसका आंसर ये वाला आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला पार्ट है, उसके अंदर भी क्वेश्चन रूल लगेगा, ठीक है। हम लेट कर लेंगे वाई के बराबर, उसके बाद ये डेरिवेटिव एक्स ले लेंगे, अब दोनों साइड पर डेरिवेटिव ले लिया, अब ये वाली चीज़ ये वाली बन जाएगी। इसके बाद नीचे वाला फंक्शन वैसे ही, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ये देखें नीचे वाला फंक्शन वैसे ही आ गया, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस आ गया, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं दो फंक्शन, ठीक है। उसके बाद
ये नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। अब ऊपर वाला फंक्शन वैसे आ गया, इसका डेरिवेटिव लेंगे, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 इधर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 आ गया, ठीक है। तो 2 1 2 हो गया, और ये कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ गया, माइनस आ गया, ये वाला वैसे आ गया। अब इसका भी ऐसे ही, ठीक है, 2 आ जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है। उसके बाद इसको ओपन कर देंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई किया 4x आ गया, 2 आ गया। उसके बाद ये माइनस है, ये 2 2 4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस 4x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस का 4 और प्लस का 4 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 8 आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई ये वाला, ये इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी वो थोड़ा सा मुझे पता नहीं चला, ये इस तरह, ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाएगी, 4 और माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये वाली चीज़ ये 2 और प्लस 6 ये 8 हो जाएगा, और ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, वो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें क्या कहता है, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे दो फंक्शन जब आपस में मल्टीप्लाई, कौन सा रूल लगता है, प्रोडक्ट रूल लगता है। सिलेक्ट करेंगे वाई के बराबर है, एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो देखें दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई होते क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, उसके बाद प्लस आएगा क्योंकि प्रोडक्ट में प्लस आता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड फंक्शन वैसे ही फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, अब फर्स्ट फंक्शन वैसे ही आ गया, सेकंड का डेरिवेटिव था, 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, एक्स का डेरिवेटिव होगा 1, माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, कोई मिड में माइनस है। उसके बाद क्या आ गया, ये फंक्शन वैसे ही आ जाएगा एज इट, ठीक है, इसका डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 और 5 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अभी 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 1 को माइनस एक्स आ गया, माइनस 5 प्लस 5 होगा, ठीक है। अब ये 1 प्लस का है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, और ये माइनस एक्स आ जाएगा। अब देखें माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x, और 3 और 5 और 3 कितने होगा 8 होगा, ये इसका आंसर है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 6 है, पार्ट नंबर 6 भी आसान है, ठीक है। अब कहते हैं लेट वाई इक्वल स्क्वेयर, ठीक है। अब ये देखें ए माइनस बी का होल स्क्वेयर है, इसको ओपन करेंगे, ए का स्क्वेयर, ए का स्क्वेयर जब लेंगे तो ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल ये आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वेयर जब ये स्क्वेयर रूट कैंसिल होगा ये वाले आ जाएगा, और 2a भी है, a यहाँ पे क्या है ये, और b क्या है 1 डिवाइडेड बाई ये, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे जब, तो ये वाली चीज़ ही बच जाएगी, ठीक है। तो ये हमने ओपन कर दिया, अब इसका अब इसमें क्या प्लस और माइनस वाला जो रूल है वो लग जाएगा सिंपल, अलग अलग सबका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो देखिए हमने x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है, तो सभी का अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे। तो आपको पता है x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसका मैंने डेरिवेटिव आपको बताया था कि इसको ऊपर लेके जाके सोल्व करेंगे अब, ठीक है, मैंने उधर भी सोल्व कर दिखाया था, अब यहाँ भी सोल्व कर देता हूँ। तो देखिए ये वाला इसका माइनस 1 शुरू में आ गया, और पावर में से एक कम करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगी ना पावर, तो माइनस 2 जब आएगी तो उसको नीचे ले आएंगे तो वो प्लस की 2 बन जाएगी। उसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये तो 0 हो गया ना, ये तो खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला इतनी चीज़ बचेगी, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, माइनस 1 आ जाएगा, डिवाइड में ये आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, वो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, उसके अंदर ये चीज़ है, ठीक है। तब क्या करना है, सबसे पहले इसका हम एलसीएम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हम सिलेक्ट कर देंगे वाई का बराबर है। उसके बाद इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज़ आ जाएगी, इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली चीज़ आ जाएगी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये है ना, ये हमारे पास एक्स की पावर 3/2 है, जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स और एक्स की पावर 1/2, क्योंकि इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 1+1/2 ये आ जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 3/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, तो इसको ये इस तरह लिख लिया हमने, ठीक है, ठीक है, क्योंकि माइनस का ये माइनस आ जाएगा, और ये प्लस इस तरह लिख सकते हैं ना, ये एक्स वैसे आ गया, ये अंडर रूट आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 1/2 है, प्लस 1/3 है, 3/2 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1+3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स की पावर 4/2, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे एक्स की पावर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये माइनस का और प्लस का आपस में कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास ये दो चीज़ें बच गई, और डिवाइड में ये आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के साथ हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये पावर ऊपर जाके चली जाएगी, ठीक है। आपको पता है अगर ये हाफ है, ये कंप्लीट है, हाफ से डिवाइड करेंगे बाकी हाफ बच जाएगा। इसका इसको जब डिवाइड करेंगे, ये 2 है और ये हाफ है, 2 में से जब हाफ निकालेंगे तो ये 3/2 बच जाएगा, ठीक। 3/2 का मतलब कहते हैं 1.5, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आ गई। उसके बाद इसका अलग अलग दोनों माइनस हो रहे हैं, अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे तो सॉल्व कर देंगे। तो देखें दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव ले लिया, ये पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में पावर में से कम और पावर के बगैर डेरिवेटिव 1 होता है, पावर शुरू में पावर में से कम और पावर के बगैर डेरिवेटिव 1 होता है। इसके बाद इसे सोल्व कर लेंगे, मजीद सोल्व करने के बाद हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, यहाँ से 1/2, यहाँ से ये इसका एलसीएम ले लेंगे इन दोनों को, ठीक है। तो यहाँ भी ये ऐसे ही आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये एक्स है, और ये एक्स जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स ये अंडर रूट एक्स जब अंडर रूट एक्स ये इस तरह हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है, बाकी ये एक्स आ जाएगा सिंपल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है, उसके अंदर भी क्वेश्चन रूल लगना है, ठीक है।
तो आपको पता है इसका पहले लेट कर लेंगे वाई के बराबर, फिर एक्स के लिए डेरिवेटिव, फिर अलग लिख लेंगे, फिर नीचे वाला फंक्शन वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव। अगले स्टेप में देखें ज़रा, तो देखें नीचे वाला फंक्शन वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर नीचे ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव, उसके बाद नीचे वाले का स्क्वायर हो गया। इसको सोल्व करेंगे अब, ये वाला ऊपर वाला वैसे ही, और ये पावर है या इसकी पावर आ रही है ना टू, टू शुरू में आ जाएगा पावर में से एक कम नहीं, तो बाकी वन आ जाएगी पावर, वो नहीं लिखते। उसके बाद पावर का डेरिवेटिव क्या होगा, हमारे पास टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, टू एक्स आ जाएगा, और वन का डेरिवेटिव जीरो, इसलिए वो नहीं लिखेंगे। उसके बाद ये इसको सोल्व करेंगे, ये वैसे ही आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे टू एक्स का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है टू एक्स, और माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो होता है, तो वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसको देखें, अब यहाँ से डायरेक्ट इस स्टेप पर आना है आपने, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये वाली चीज़ और इसमें से ये वाली चीज़ आपस में कॉमन आ जाएगी, ये वाली चीज़ ये देखें, ये वाली टू एक्स कॉमन आ गया दोनों में से देखें, और ये वाली चीज़ कॉमन आ गई, यहाँ पे स्केयर है यहाँ पे स्केयर के बगैर है, तो यहाँ पे एक ले लिया बाहर। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बाहर आ गई, बाकी अंदर क्या बचेगा, बाकी अंदर हमारे पास ये वाली टू बच जाएगा और ये वाली चीज़ बच जाएगी, ये हमने लिख दी। ठीक है, उसके बाद देखें हमारे पास यहाँ से हमने ये टू एक्स बाहर ले लिया और यहाँ से एक बाहर ले लिया, बाकी एक बच जाएगा वो यहाँ आ गया। ठीक है, मिड में माइनस और माइनस आ गया। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से इस टाइप पर आना है आपने, वो गलती होगी सी मिड में, ये वाली चीज़ नहीं है इतनी। ठीक है, तो उसके बाद देखें आगे मजीद, तो ये वाली चीज़ ऐसी आ गई। अब इसको सोल्व करते हैं, टू एक्स स्क्वायर हो गया माइनस टू एक्स, माइनस टू आ जाएगा और ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस वन आ जाएगा, और बटे में ये स्क्वायर चलता जाएगा वैसे ही। ठीक है, ये वाली चीज़ वैसे चलती जाएगी। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, टू में से वन गया बाकी वन एक्स स्क्वायर बच गया, और ये माइनस वन टू और माइनस वन और माइनस थ्री हो गया। ठीक है, ये वाली चीज़ इसका आंसर आ गया। उसके बाद करते हैं आज के क्वेश्चन टॉपिक लेक्चर का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी क्वेश्चन रूल यूज़ होगा। क्वेश्चन रूल हमें क्या कहता है, ठीक है, पहले हम लेट कर देंगे वाई बराबर, उसके बाद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, ये ले लिया, नीचे वाला फंक्शन वैसे ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर वाला फंक्शन ये फंक्शन वैसे ही आ गया, इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव आ जाएगा, तो टू एक्स क्योंकि वन का डेरिवेटिव जीरो होता है और जीरो तो हम खत्म कर देंगे वैसे ही, ये माइनस वैसे आ गया, ये आ गया, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स आ गया, माइनस थ्री का डेरिवेटिव जीरो आ गया, वो जीरो नहीं लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया थ्री एक्स क्यूब, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस सिक्स एक्स, ये माइनस आ जाएगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये सारी दोनों ये दोनों वाली माइनस हो जाएंगे ना, ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखें सिक्स थ्री टू एक्स क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू एक्स, ये देखें ये माइनस का और प्लस का कैंसिल, ये माइनस एट एक्स आ जाएगा। ठीक है, माइनस एट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, आसान था। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नया चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह, जहाँ से आपको समझ नहीं आई। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।